राजू चुड़ैल के बाल ढूंढते हुए कुछ बाल वहाँ से उठा लेता है। हरिया भाई, मुझे वो बाल मिल गए। फिर डरावनी आवाज आने लगती है। वह आवाज सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अबे बेवकूफ हरिया, क्यों डरा रहा है? ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? पहले से ही हालत खराब है। तभी हरिया को सामने से वही गंजू चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गया, अरे अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए हरिया भी कुएं में कूद जाता है। अबे पागल, क्यों कूदता फिर रहा है? क्या हुआ, क्या देख लिया? अरे भाई, वह गंदी चुड़ैल हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। वह कुएं के बाहर है, चुपचाप यही खड़े रहो। पकड़े गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वह चुड़ैल उनकी तलाश करते हुए कुएं से आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हरिया कुएं से झांक कर देखता है। राजू भाई, बाहर कोई नहीं है, लगता है वह चुड़ैल आगे चली गई। चलो अब उस साधु के पास चलते हैं। फिर वह दोनों कुएं से निकलकर भागते हुए साधु के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, हम उस चुड़ैल के बाल ले आए हैं, अब तुम उस चुड़ैल को जल्दी से अपने वश में कर लो। वह साधु उन बालों को ले लेता है और अपना तंत्र शुरू कर देता है। मंत्र की आवाज उस चुड़ैल के कान में पड़ जाती है और सीधा चुड़ैल वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर राजू और हरिया डर जाते हैं। ऐ तो तुम दोनों यहाँ चुप कर बैठे हो, अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ मिल गए, अब तुम दोनों को एक बार में ही मारूंगी। तांत्रिक भाई, क्या हुआ? इस चुड़ैल को अपने काबू में करो। ऐ चुड़ैल, तेरे बाल मेरे पास है, अभी रुक, तुझे अभी अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक उन वालों को आग में डाल देता है। ऐ चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, देख कैसे तांत्रिक तुझे अपने इशारों पर नचाता है। ऐ चुड़ैल, अब तू मेरे बस में है, मैं जो कहूँगा वह तुझे करना होगा, चल अभी के अभी यहाँ से चली जा। बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता है और वह वहीं खड़ी रहती है। है ऐ चुड़ैल, सुना नहीं तूने? अब मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ अभी के अभी यहाँ से चली जा। क्या हुआ तांत्रिक भाई, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, जरा मंत्र सही से पढ़ू ना। ऐ मूर्ख, मुझे मत सिखा, तू यह बाल किसके लाया है? यह चुड़ैल के नहीं है। ऐ मूर्ख, तू किसके बाल उठा कर ले आया है? भाई उस कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं डर के मारे जो बाल हाथ लगे उठा लाया। अरे गधो, तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे क्या? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था, मैं आज से ही ये तंत्र मंत्र का काम छोड़ दूंगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, अब यह गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे रुक जा तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है, हम तो मर जाएंगे। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कौन बचाएगा? तभी वो कल्लू नाई वहाँ पर बाल लेकर पहुँच जाता है। ऐ चुड़ैल वहीं रुक जा, मैं वही नाई हूँ जिसने तेरे बाल काटे थे, देख चुड़ैल पहचान, यह तेरे ही बाल है ना, अभी इन्हें आग में डालकर तुझे भस्म कर दूं। नहीं नहीं नाई, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। फिर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। कल्लू भाई, तुम्हें यह बाल कहाँ से मिले? उस कुएं में तो बालों का ढेर लगा हुआ है। अरे मैं क्या पागल हूँ जो इतनी रात में उस कुएं में उतरूंगा, ये कोई चुड़ैल बुड़ैल के बाल नहीं है, ये तो मेरी दुकान पर पड़े थे तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी चलो, कहीं उस चुड़ैल को पता लग गया मैंने उसे बेवकूफ बनाया है तो वो यहाँ फिर आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 3 देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।